छत्तीसगढ़ सरकार लेगी 2000 करोड़ का कर्ज। आरबीआई से कर्ज लेगी छत्तीसगढ़ सरकार। मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए लिया जाएगा कर्ज। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कर्ज लेने की जानकारी दी है। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेने जा रही है। अब पूरा खजाना कांग्रेस खाली कर चली गई है। हमने जनोपयोगी जो घोषणाएं की हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए सरकार 2000 करोड़ का, अभी तक कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो तो पूंजीगत व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व व्यय के लिए लिया, परंतु हम जो कर्ज ले रहे हैं वो विकास के लिए ले रहे हैं। कांग्रेस 3100 में धान खरीदी नहीं होने पर सवाल उठा रही है, कौन, कितना दिन हुआ है? कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने कहा है 21 क्विंटल खरीदेंगे, 2100 रुपए देंगे, मतलब देंगे। और अब बात रायपुर की। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। नक्सलियों से वीडियो कॉल से बात करने को तैयार, सामने नहीं आना चाहते तो वीडियो कॉल से बात हो, जवानों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता, उन्होंने बताया। यही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों रोक कर बैठे? सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो पूरी जनता बंधक के नाते है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नक्सलियों से बातचीत करेंगे आप? बातचीत करेंगे क्या? मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूँ। मैंने ये कहा भाई, सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूँ। मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ, आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार हुपेंडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही पार्टी के कुल 6 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं ये सभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुमार हुपेंडी ने कहा कि जिस भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी में आए थे वो पूरा नहीं हो सका। मैं किसी नेता पर, किसी पदाधिकारी पर दोषारोपण न करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो उम्मीद, जो भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी का हम सदस्य बने, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम ना तो उस अंतिम व्यक्ति जिसके लिए हम राजनीति में आए उनके लिए न्याय कर पा रहे हैं, ना तो हमारे कार्यकर्ताओं के जो पूरा तन मन धन के साथ समर्पित होकर काम कर रहे हैं उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं, ना तो और किसी का कर पा रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की भविष्य बनाना है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लड़ना है तो पुनर्विचार करना चाहिए। और इसलिए मैं लगभग 5 साल से प्रदेश का अध्यक्ष हूं, आज शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा प्रेषित करता हूं, भेजता हूं और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूं। तो इधर आप नेताओं के इस्तीफे पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी छोटे दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई है, लोग वादा खिलाफी के चलते बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी छोटे दलों के अपने साथ लेकर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ पदाधिकारियों का इस्तीफा इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दल के लोगों को लोभ दे रही है, उन्हें अपने दल में शामिल करने की कवायद में लगी है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की एक सूचना आई थी कि जो विभिन्न छोटे छोटे दल के लोग चुनाव लड़े थे उनको भाजपा में शामिल किया जाएगा। दरअसल भाजपा डरी हुई है, उसे मालूम है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होगी। मोदी जी के वादा खिलाफी के कारण जनता बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे छोटे दल के पदाधिकारियों को अपने में शामिल करने की रणनीति बनाई है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़े बदलाव हो सकते हैं, नए प्रभारी के साथ नई टीम बनाई जाएगी। सचिन पायलट के मुताबिक टीम बनाई जाएगी, कई जगहों पर जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। इसलिए सरकार चाह के भी 1 महीने से ऊपर सरकार गठन हुआ है, बना हुआ है, चाह के भी अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए कोई अच्छी योजना नहीं बना पाई है। तो अंदर अंदर उसके नेता और तमाम बड़े लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को
ग्लानी महसूस कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ फुटबॉल मनोज स्थिति आएगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो आईपीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से नाराजगी है, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया उन्हें क्लस्टर में जगह दी गई है। जो नेताओं को मंत्री पद नहीं दिया गया है उनको क्लस्टर में जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ये लोग के लिए परीक्षा की घड़ी है। पहला चीज पास होना या फेल होना है, जो एक मंत्री बचा हुआ है ये उसके सब लोग दावेदार हैं। और मतलब समझ लीजिए कि पार्टी ने इनको झुंझुना पकड़ाया है और ये लोग आपस में एक दूसरे में अंदरूनी कलह जबरदस्त है, लेकिन डर के वजह से ये बाहर नहीं बोल पा रहे। तो वही कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के पिछले कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम किया, कांग्रेस ने राज्य को दिवालियेपन की कगार पर ला दिया, कांग्रेस ने अपनी जेब में पैसा डालने के लिए हर जगह सिस्टम बिगाड़ दिया। ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोड मैप होगा, देश के 5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में छत्तीसगढ़ का योगदान तय करेंगे। जी, कांग्रेस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की, सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया, चाहे वो कोयला था, चाहे वो एक्साइज का मैटर था, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस के नेताओं के जेब में ज़्यादा पैसा जा सके और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचे। इन सब रिफॉर्म्स को भी हम आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। इस बार बजट में जो छत्तीसगढ़ का भविष्य का रोड मैप होगा वह भी हम स्पष्ट रूप से सामने रखेंगे। भारत 2047 में विकसित भारत बनने जा रहा है, उस यात्रा को हम 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे उसका भी एक रोड मैप हम रखने का प्रयास करेंगे। जो मिड टर्म के जो लक्ष्य हैं $5 ट्रिलियन इकॉनमी और $10 ट्रिलियन इकॉनमी की भारत देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान होगा